अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं बात करूंगा वीज़ा पे। कतर में वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है, वीज़ा कैसे मिल रहा है और कितनी देर का मिल रहा है और कितनी देर में मिल रहा है। स्पेशली आजकल कुछ वीज़ा के बारे में न्यू अपडेट्स हैं फीफा की वजह से। आप लोगों को पता होगा कतर में फीफा होने वाला है, बिल्कुल सर पे है, जिसकी वजह से कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने चेंज की है और कुछ उन्होंने अपने आगे कह लें कि पॉलिसीज चेंज की है। तो वीज़ा के लिए अगर तो फैमिली विज़िट वीज़ा है, फैमिली विज़िट पे आना चाह रही है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और अगर आपके फैमिली के साथ पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर आप लोगों ने रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारी आपके साथ आज शेयर करूँगा। और रिसेंटली जो अभी तक के जो लेसन लर्न हैं और जो ऑब्जर्वेशन हैं, फीडबैक है दोस्तों से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि फीफा की वजह से अभी कतर वीज़ा नहीं दे रही, विजिट वीज़ा भी नहीं दे रही, आरपी भी नहीं दे रही, रेजिडेंट वीज़ा भी नहीं दे रही, और कुछ पोजीशंस, कुछ क्राफ्ट्स हैं जिनको वो वीज़ा दे रही हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, हेल्थ वर्कर हो गए, या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के जो कि फीफा के लिए आ रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के लिए, उनको दे रहे हैं। तो अराउंड 8 से 10 वीज़ाज़ हैं कैटेगरीज़ के जिनके वीज़ाज इशू हो रहे हैं, आरपी रेजिडेंट वीज़ा उनकी फैमिलीज़ के लिए ये इशू हो रहे हैं। बाकी जो है रेजिडेंट वीज़ा जो फैमिलीज़ के लिए वो इशू नहीं कर रहे, वो आफ्टर दी फीफा करेंगे। भले आपकी सैलरी रेंज अबव है, आपके पास स्टेटमेंट है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वो रेडी हैं, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा टिल दिसंबर एंड। अभी काफ़ी सारी जगहों पे उन्होंने वीज़ा की एप्लीकेशन जो हैं आपकी अंडर प्रोसेस शो हो रही होंगी, और सम टाइम्स अगर आप फॉलो अप करेंगे तो आपको वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। और जब आप उनकी ऑफिस को विज़िट करेंगे तो आप नोट कीजिएगा कि जो रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए हैं उसके पास एक पेपर है जिस पे कुछ क्राफ्ट्स लिखे हुए हैं, उन क्राफ्ट्स को सिर्फ वो अंदर जाने दे रहे हैं फॉर फॉलो अप। ये नहीं है कि उनको वीज़ा मिल रहा है, लेकिन फॉर फॉलो अप वो अंदर जा सकते हैं और उनके चांसेस हैं कि उनको वीज़ा मिल रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए। बाकी किसी को वीज़ा नहीं दे रहे, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी समझ लें कि इंटरनल ही है कि वो वीज़ा इशू नहीं कर रहे। अभी रहेगी बात विजिट वीज़ा की, विजिट वीज़ा भी वो इशू नहीं कर रहे। और फैमिली के लिए विजिट वीज़ा, अगर आपके कनेक्शन अच्छे हैं तो शायद आपको वीज़ा मिल जाए विजिट, अदरवाइज़ नहीं मिल रहा। और जो भाई बहन या पेरेंट्स के लिए तो वो तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, वो आफ्टर दी फीफा। वीज़ा किन को मिल रहा है, वीज़ा सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जिनके पास फैन कार्ड है, जो फुटबॉल देखने के लिए आ रहे हैं, जो फीफा का मैच देखने के लिए आ रहे हैं, उनको सिर्फ वीज़ा मिल रहा है। फैन कार्ड भी बोलते हैं और इसको हया कार्ड भी बोलते हैं, जिनके पास वो है वो अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन साथ में उनको हया कार्ड और वो फैन कार्ड जिसको बोल रहे हैं वो लगाना पड़ेगा, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा। बाकी किसी को कोई वीज़ा नहीं मिल रहा जब तक ये फीफा ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ यही मैं बताना चाहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें उनके ऑफिस में जाके, वहाँ पे जलील होने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास। तो मतलब डेफिनेटली आप लोगों को होगी जिसकी वजह से आप जा रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। विजिट वीज़ा जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं और अंडर दी रिव्यू हैं, अंडर अप्रूवल हैं, उनके लिए थोड़ी सी होप है। अगर वो इमिग्रेशन ऑफिस चक्कर लगाएं, ये जो मी समीर वाला इमिग्रेशन ऑफिस है इसमें जाइएगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसी ऑफिस में जाना, सिर्फ विजिट वीज़े वाले, बाकी नहीं। बाकी तो आपको पता है वो ग्राफा वाला है इनका, वहाँ पे जाना पड़ता है फॉर रेजिडेंट वीज़ा फॉलो अप। तो जिन लोगों ने विजिट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और वो अंडर प्रोसेस आ रहा है, वो जो मी समीर में इनका इमिग्रेशन ऑफिस है उसमें जाइएगा, किसी और में ना जाना, क्योंकि किसी और में जाएंगे तो वो आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। आप लोग इतना सफ़र करके जाएंगे, इतना दलील होकर जाएंगे, और अगर वो एंटरटेन नहीं करते तो गुस्सा आता है। तो सिर्फ मी समीर में जाइएगा, और टाइम क्या है, कौन सा टाइम है जाने का, कोशिश कीजिएगा कि 9 बजे तक आप वहाँ पे जाएं, 9 बजे तक जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएं, जो सिक्योरिटी में है उसको बोलिए कि मैंने अपना वीज़ा के फॉलोअप के लिए आया हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका एतराज़ देखेगा और अंदर जाने देगा। अंदर जाके वहाँ पे रिसेप्शन पे एक लोकल बैठा हुआ है और एक
इंडियन बैठा हुआ, जो इंडियन है जो कि आपकी लेफ्ट साइड पे होगा, जब वो रिसेप्शन पे पहुंचेंगे उसको जाके आप बोलें, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, वो आपको टोकन देगा और जब आप कैप्टन के पास जाएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और आपका वीज़ा इशू कर देगा। 50% चांसेस हैं कि आपको विजिट वीज़ा जिन लोगों के अंडर प्रोसेस हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन फॉलो अप करना पड़ेगा, लेकिन विद कंडीशन कि आप सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि फैमिली के लिए आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए मुफा से और कतर एम्बेसी से, और उसके बाद आपके पास सैलरी लेटर होना चाहिए, NOC होना चाहिए कंपनी का, और आपके पास टिकट्स, रिटर्न टिकट्स आने की और जाने की, वो आपके पास होनी चाहिए। वो आप डम्मी बनवा सकते हैं, खुद बनाएं या किसी एजेंट से बनवा लें, वो अराउंड कुछ पैसे चार्ज करेगा आपको। और इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस का और टिकट का आपस में मैच होना, डेट्स का, 90 डेज़ की इंश्योरेंस और 90 डेज़ का वीज़ा आपस में मैच होना चाहिए, डेटें टैली होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप उनके पास जाएँ, होपफुली आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन उसमें कोई एक्सटेंशन के चांसेस बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या है, जब आपकी फैमिली लैंड कर जाए तो फौरन ही जो अडल्ट्स हैं उनका मेडिकल करवाएं, मेडिकल करवाने के बाद अपने उससे मद्रास से ऑनलाइन उनकी एक्सटेंशन करवा लें, जो कि 3 months के लिए है। ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूँ, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनकी एप्लीकेशन अंडर अप्रूवल हैं, अभी तक रिजेक्ट नहीं हुई। और आप फॉलो अप करेंगे, जाके थोड़ी सी मिन्नत करेंगे, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपको वीज़ा मिलने के 50% चांसेस हैं। लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो आफ्टर लंच जा रहे हैं वहाँ पे फॉलो अप के लिए। आफ्टर लंच वो आपको नॉर्मल डेज में भी अंदर नहीं जाने देते, तो अभी तो ये फीफा का टाइम चल रहा है, तो आप लोग कोशिश करें कि 9 o'clock तक, 9 बजे तक आप वहाँ पर पहुँच जाएँ, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock तक आप वहाँ पे पहुँच जाएँ और जाके अपना फॉलो अप करें। और दूसरा, जिन लोगों की एप्लीकेशन अंडर अप्रूवल आ रही है उसमें फर्दर उस पर क्लिक करें और देखें कि उसका वीज़ा नंबर इशू हुआ है या नहीं हुआ। समटाइम क्या होता है, आपके जो बच्चे हैं उनका वीज़ा इशू हो जाता है और आपकी जो मिसिज़ है उसका वीज़ा इशू नहीं होता, वो अंडर अप्रूवल होता है। लेकिन जब आप उस पर क्लिक करेंगे और जो नई टैब ओपन होगी, नई पेज ओपन होगी, उसमें देखेंगे तो वहाँ पे वीज़ा नंबर इशू हो चुका होता है लेकिन अप्रूवल आपको नहीं आई होती, तो उसके लिए नॉर्मली आपको 4 working days का वेट करना पड़ता है। तो ये भी आप अपने मित्रार से चेक कर सकते हैं कि आपका जो वीज़ा अंडर अप्रूवल है उस पर जब फर्दर आप क्लिक करेंगे उसका वीज़ा नंबर, ये ऊपर टॉप पे एप्लीकेशन नंबर आ रहा होगा और नीचे उसका वीज़ा नंबर अगर इशू हो चुका है तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा इशू हो चुका है, इन कपल ऑफ डेज यू विल गेट द SMS। तो और बाकी बिल्कुल ज़रूरत मतलब टाइम ज़ाया करने की नहीं है, अपने आप को अपना माइंड बना लें कि वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा फैमिलीज़ का वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला जब तक फीफा ख़त्म नहीं हो जाता। बाकी आप ट्राई करके देख लें, अगर आपके कनेक्शन हैं, अच्छे कनेक्शन हैं, तो होपफुली हो सकता है, चांसेस हैं कि हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा। तो ये वीज़ा पे अपडेट आप लोगों को देनी थी, होपफुली आप लोगों की कुछ क्लैरिटी आई होगी, कुछ क्यूरीज रिजॉल्व हुई होगी। अगर स्टिल किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी वीज़ा से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।